सांसद का बेटा रोड पर ऐसी हनक की गरीब ही दब गया। आखिर ये कैसा दबदबा? प्रहार में इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के गोंडा से आ रही है, जहां बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के बेटे और कैसरगंज से बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण के काफिले की कार ने 3 लोगों को रौंद दिया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। करण भूषण के काफिले में शामिल अनियंत्रित पुलिस स्कॉट की गाड़ी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। एक्सीडेंट के बाद आसपास भीड़ जमा हो गई। दुर्घटना कर्नलगंज थाना क्षेत्र के हुजूरपुर में बहराइच रेलवे क्रॉसिंग के पास घटी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन उम्मीदवार है बीजेपी के करण भूषण, कैसरगंज का ये पूरा मामला है, जहां तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को रौंद दिया। 2 की तो मौत हो गई है और 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि ये कैसी हनक है कि सड़क पर चलता हुआ गरीब इन गाड़ियों को नजर नहीं आया। करण भूषण के काफिले में शामिल कार से हादसा हुआ है। पुलिस स्क्वाड की गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से चल रही थी सड़क पर कि सामने चलते हुए लोग नजर नहीं आए। 3 लोगों को रौंद दिया, जिनमें से 2 की मौत हो गई है और 1 की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। देखिए, गोंडा की कैसरगंज लोकसभा सीट चर्चाओं में रहती है ब्रजभूषण की वजह से। ब्रजभूषण को इस बार टिकट नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन बेटे करण भूषण को जरूर मैदान में उतार दिया गया। और करण भूषण की भी हनक ऐसी है कि तेज रफ्तार गाड़ियों ने यह नहीं देखा कि सड़क पर चलते हुए लोगों को रौंदा जा रहा है। 3 लोगों को रौंदा गया, 2 लोगों की मौत हो गई है इस दर्दनाक हादसे में और 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो सांसद के बेटे के काफिले में शामिल गाड़ियों से ये बड़ा हादसा हुआ है। रोड पर ऐसी हनक देखने को मिली कि 2 लोगों को जान गंवानी पड़ी और 1 शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, करण भूषण के काफिले में शामिल गाड़ियों से हादसा हुआ है। तेज रफ्तार गाड़ियां, जिन्होंने ये नहीं देखा कि सड़क पर चलते हुए लोग उनकी रफ्तार के आड़े आ रहे हैं, उनकी रफ्तार से कहर बरप रहा है। 2 लोगों की जान चली गई है और 1 शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, सबसे पहले बताइए कि हादसा किस वक्त हुआ है और जिस काफिले से हादसा हुआ है, करण भूषण शामिल थे, गाड़ी उनकी भी शामिल थी इस काफिले में? देखिए प्राची, इससे कुछ देर पहले हमारी जो यूपी पुलिस के टॉप ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत हुई और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में करण भूषण सिंह की जो एस्कॉर्ट की गाड़ी है, यानी कि जो पुलिस की गाड़ी है UP 32 HW 1800, उससे ये एक्सीडेंट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस अब इस पूरे मामले में इस बात की विवेचना कर रही है कि क्या इस हादसे के दौरान जो काफिले की गाड़ी है, क्या उस काफिले के गाड़ी में, कन्वॉय में करण भूषण सिंह भी मौजूद थे या फिर नहीं थे। कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और ये बताया जा रहा है सुबह 9 बजे करनैलगंज का जो मथई इलाका है वहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और जो तहरीर दी गई है पीड़ित के परिवार की तरफ से, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि विपरीत दिशा से आती हुई फॉर्च्यूनर गाड़ी, जिसका नंबर मेंशन किया गया है UP 32 HW 1800, जिसको कि मौके पर पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, ये तेज गति से आ रही थी, अनियंत्रित होकर आ रही थी और ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाई, जिसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ है। और इस एक्सीडेंट में 2 नवयुवकों की, जिसमें से एक नाबालिग लड़का है, उसकी मौके पर ही मौत हुई है। 25 साल के एक युवक की मौत हुई है और एक बच्चा, एक बालक, इसमें यह भी बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको कि नजदीक के CSC में भर्ती कराया गया है। अब पुलिस आसपास के जो CCTV हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके बयान दर्ज कर रही है और पुलिस का कहना है कि अगर मौके पर कोई भी मौजूद होगा, चाहे वो करण भूषण सिंह ही क्यों ना मौजूद हो, सबसे बुला के पूछताछ की जाएगी और इस पूरे मामले का सीक्वेंस ऑफ इवेंट निकाला जाएगा। फिलहाल मौके पर शांति है, किसी भी तरीके का हंगामा नहीं है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में CCTV को खंगालना शुरू कर चुकी है, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करना शुरू कर चुकी है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि गोंडा के करनैलगंज में ये जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 मासूमों की मौत हुई है, करण भूषण सिंह के जो काफिले की गाड़ी है उससे ये एक्सीडेंट हुआ है। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझने के साथ साथ पुलिस इस बात को जानना चाह रही है कि क्या हादसे के दौरान करण भूषण सिंह मौके पर मौजूद थे या फिर नहीं थे, क्योंकि अगर वो मौके पर मौजूद होंगे तो निश्चित तौर पर पूछताछ उनसे भी होगी, क्योंकि उनकी काफिले की गाड़ी से यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है और 1 बच्चे को
नजदीक के सीएसटी में भर्ती कराया गया है। देखिए इस पूरे इलाके में किस तरीके का दबदबा है ब्रजभूषण का, ये तो विशाल किसी से छिपा नहीं है। और चुनावों के दौरान भी ब्रजभूषण के बयानों की वजह से वो चर्चाओं में रहे थे। बेटे को अपने आप को सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने चुनावों में बताया था। ऐसे में उनके काफिले में शामिल गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं ब्रजभूषण की भी और बेटे करण की भी। प्राची, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर एक्सीडेंट में दो लोगों की मौत हो गई है जैसा कि हुआ है इस मामले में, और ऐसे में अगर कॉन्वॉय की गाड़ी आपकी रहती है तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी आपकी भी बनती है और कहीं ना कहीं पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो भी आपकी बनती है। लेकिन अगर आईपीसी की धाराओं में देखा जाए तो आईपीसी की धाराओं में इस बात का जिक्र किया जाता है कि जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, जो उस समय चालक होता है, जो जिम्मेदारी फिक्स होती है वो निश्चित तौर पर उसकी होती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है चाहे गोंडे का इलाका हो चाहे करनलगंज का इलाका हो, जब काफिला निकल है दबदबा वाले नेताओं का तो गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है और वो ये देखना भूल जाते हैं कि सामने से कोई मासूम अपने घर से निकला हुआ है, दवा लेने जा रहा है, पैदल लोग चल रहे हैं, लेकिन गाड़ियों की जो रफ्तार होती है नेताओं की वो 120 140 इसलिए निकलती है ताकि समर्थकों पर अपना दबदबा दिखाया जा सके। लेकिन दबदबा दिखाते दिखाते इस तरीके से दो मासूमों की मौत हो जाएगी, ये वाकई में किसी ने नहीं सोचा था। यही वजह है कि पुलिस न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसको खंगालने की बात कह रही है बल्कि ये भी कह रही है जनता का सेवक बनने का दावा किया जाता है, उसी जनता को अपनी हनक के सामने रौंद दिया जाता है। ये तस्वीरें तो खासतौर पर यही बता रही हैं। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सियासी खबरों की। बंगाल में सातवें चरण का रण भीषण हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। कल रोड शो और रैली कर चुके मोदी ने आज फिर बंगाल में प्रचार किया। उधर ममता बनर्जी भी पूरा जोर लगा रही हैं। बंगाल के आखिरी चरण में 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इन सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार बीजेपी ममता के गढ़ में सेंधमारी की पूरी तैयारी में है। मोदी ऐलान कर चुके हैं कि इस बीजेपी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस बंगाल में देगी इस बार। तो वही ममता बनर्जी मोदी को चैलेंज दे रही हैं। ममता ने मोदी को क्या चैलेंज दिया है ये आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने मथुरापुर में जनसभा को संबोधित किया। रैली में प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी की पार्टी पर बड़ा हमला किया। मोदी ने कहा कि बीजेपी पर बंगाल का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा, टीएमसी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। ममता बनर्जी बंगाल में केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती। टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। क्या क्या बोलते हैं, बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, ये तो होते देवोना, एक ही हथियार एटा होते देवोना। विकास के जो काम मोदी करता है टीएमसी कहती है एटा होते देवोना। हम देश की हर महिला को उज्ज्वला सिलेंडर दे रहे हैं। बंगाल सरकार लाखों एप्लीकेशन लटकाए हुए हैं। टीएमसी का कहना है एटा एटा होते देवोना, एटा होते देवोना। मोदी ने हर गरीब को मुफ्त इलाज की गारंटी दी। अब हम 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को बीमारी में मुफ्त इलाज देंगे। लेकिन टीएमसी बंगाल में
आयुष्मान योजना नहीं लागू होने दे रही है। टीएमसी कह रही है एटा, लेकिन टीएमसी वालों को आपकी चिंता नहीं है, इनको तो अपने तोलाबाजों और कट मनी सिस्टम से मतलब है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ अटैक से ममता बनर्जी की टेंशन साफ नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को ओपन चैलेंज दिया है। ममता बनर्जी ने एक रैली के दौरान कहा कि मोदी आजकल बैक टू बैक इंटरव्यू दे रहे हैं जिसमें वो खुद सवाल लिखते हैं। मैं उन्हें जनता के सामने इंटरव्यू देने की चुनौती देती हूँ। मोदी चाहे तो इंटरव्यू गुजरात में रख सकते हैं, मैं वहां जाने को तैयार हूँ और दोनों सवालों का सामना करें। चैलेंज हो আমি তো বারবার বলেছি আপনি কি করে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন, এখন নিজে কোশ্চেন লিখে দেয়, নিজে উত্তর লিখে দেয় আর ছবিটা পাশে বসিয়ে দেয়, এটা চলছে আজকে। সেই জন্য বলেছিলাম পাবলিকলি হোক, বলুন কোথায় করবেন, গুজরাটে করবেন? যাচ্ছি গুজরাটে, আমি যেতে রাজি আছি। প্রেস কোশ্চেন করবে, ফ্রিলি কোশ্চেন করবে, আমাকেও করবে ওনাকেও করবে, আমি দেখব জ্ঞান ভাণ্ডারে কত জ্ঞান আছে আর কতটা দেশকে চেনেন আর কতটা দেশকে ভালোবাসেন। বলছে আমি খানে নে খানে খায়ে গাবি নেই খানে দুঙ্গা নাকি সব আগে বলেছিল, আর এখন জিজ্ঞেস করুন সব খালিয়া দেশ বিবেশ দিয়া, বলে খাতে খাতে এতনা খায়া কি আপ দেশ কবি বেচ দিয়া, কনস্টিটিউশন কবি বেচ দিয়া, ইনসান কবি বেচ দিয়া, সবকো বেচ দিয়া হে। ইসি কে লিয়ে আমি লোক কি ক্যা চাতে হে, আমরা কি চাই, মোদি যাক শান্তি থাক, মোদি যাক দেশ থাক, মোদি যাক সংবিধান থাক, মোদি যাক ছাত্র যৌবনে গিয়ে যাক। अब ममता की इस टेंशन की वजह क्या है, आपको ये समझाते हैं। इसके पीछे की वजह है बंगाल में साल दर साल बीजेपी का बढ़ता ग्राफ। बीजेपी ने बंगाल में अपनी पैठ जमाई है और साल दर साल ना सिर्फ वोट बैंक में इजाफा हो रहा है बल्कि सीटों में भी इजाफा हो रहा है। 2009 की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था वो महज 10% था, लेकिन 2014 में 7% का इजाफा हुआ, ये 17% हो गया, और 2019 की बात करेंगे तो देखिए 40% तक पहुंच गया। और यही बढ़ता ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में कहीं ना कहीं टीएमसी और ममता बनर्जी की टेंशन को बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि ना सिर्फ वोट शेयर बढ़ रहा है बल्कि सीटों में भी इजाफा हो रहा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरेगी। अब देखिए सातवें चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उन सीटों पर बंगाल में ममता बनर्जी का जो दबदबा है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। 9 सीटें, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, लेकिन इस बार ये कोशिश की जा रही है कि बीजेपी इन सीटों पर भी अपना कब्जा कर सके, कमल खिला सके। अब देखिए 7 चरण में जिन 9 सीटों पर वोटिंग होनी है उन सभी सीटों पर ममता बनर्जी का स्ट्रांग होल्ड है। इन सीटों पर 2019 में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलाता और सभी सीटों पर टीएमसी की जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा था जीत का। सिर्फ एक सीट दमदम ऐसी थी जहां टीएमसी और बीजेपी में जीत का अंतर कम था। आपको रखते हैं उन सीटों का, देखिए बसीरहाट सीट की बात करेंगे तो 2019 की विनर थी टीएमसी और यहां पर जो मार्जिन था वो 3 लाख से ज्यादा का था। इसके अलावा कोलकाता दक्षिण की बात करेंगे तो 1,55,000 का मार्जिन था, टीएमसी जीती थी। कोलकाता उत्तर में टीएमसी जीती थी, यहां भी 1 लाख से ज्यादा का मार्जिन था। बारासात की बात करेंगे तो यह सीट भी टीएमसी ने जीती थी और यहां भी मार्जिन 1 लाख से ज्यादा था। और देखिए बसीरहाट, डायमंड हार्बर, जयनगर, जादवपुर, मथुरापुर की अगर आप बात करेंगे तो यहां मार्जिन तकरीबन 3 लाख वोटों का है। और इसीलिए बीजेपी का जो टारगेट है वो इन्हीं सीटों का है, इन सीटों पर ना सिर्फ जीत हासिल करनी है बल्कि जो वोटों का मार्जिन है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ाना है। ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन ये जो 9 सीटें हैं इस पर टीएमसी का दबदबा, टीएमसी का गढ़ इन्हें कहा जा सकता है इन सीटों पर। ममता बनर्जी का जो जादू है वो इन सीटों पर चलता है, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। और इन्हीं सीटों पर निगाहें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरापुर में अटैकिंग मोड में नजर आ रहे थे और यही अटैकिंग मोड कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जो टेंशन है वो बढ़ा रहा है। बंगाल में तो देखिए हाल यह है कि बीजेपी इन 9 सीटों पर अपना कब्जा करना चाहती है, लेकिन एक और जगह उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल जहां बीजेपी और पूरे के पूरे एनडीए का दबदबा है वहां पर भी अब फाइनल राउंड में वोटिंग होनी है। 13 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, पूर्वांचल में कोई कोर कसर नहीं रह जाए, इसलिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह पूर्वांचल में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। योगी ने कुशीनगर के हाटा में जनसभा को संबोधित किया है। योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान यहां दंगे होते थे, लेकिन पिछले 7 साल के दौरान कोई दंगा नहीं हुआ। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भी भुगतना ही पड़ेगा। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा, सम्मान, विरासत भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, और दूसरी तरफ आपका आशीर्वाद उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा, याद करिए, पडरौना में डोल मेला लगता था और जब भी कृष्ण जन्माष्टमी आती थी या तो समाजवादी पार्टी की सरकार रोक लगा देती थी, और अगर वहां के कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह, विनय जायसवाल, ये लोग अगर वहां पर डोल मेला निकालने का प्रयास करते थे, पूरे पडरौना वासियों को उठा करके तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार बंद कर देती थी। हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती थी। ये हाटा में हर बार दंगा होता था, हर बार दंगा होता था। आपने पिछले 7 वर्ष में दंगा करते हुए किसी को देखा है क्या? आज कोई दंगा कर देगा क्या? आज कोई ढोल यात्रा रोक पाएगा क्या? आज कोई गौकसी कर देगा क्या? आज किसी बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे कोई सेंध लगा पाएगा क्या? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर लगाएगा तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतेगा। उसे मालूम है कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की कीमत अब जेल नहीं, जहन्नुम होता है, जहन्नुम। देखिए, पूर्वांचल की जिन 13 सीटों पर मतदान होना है, 13 में से 11 सीटें एनडीए ने 2019 में जीती थी, 2 सीटें बसपा के खाते में गई थी, और यही वजह है कि उन दोनों सीटों की पूर्ति करने के लिए पूरी की पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंक रखी है। अमित शाह भी आज पूर्वांचल में ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। शाह महाराजगंज, देवरिया, बलिया और रॉबर्ट्सगंज में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे, फिर शाम को गाजीपुर में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अखिलेश यादव आज सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर में मोर्चा संभालेंगे, तो उनकी पत्नी डिंपल यादव कुशीनगर में रोड शो करने वाली हैं। वहीं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पूर्वांचल में डेरा जमा रखा है। ओवैसी ने कल बनारस में रैली की थी, आज वो कुशीनगर में जनसभा करेंगे। तो इस आखिरी रण की 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश की सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और सारे दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक रखी है।